नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हमारे विशेष संवाददाता ने खास बातचीत की ग्राम सेवा सहकारी समिति बुगोड़ा पंचायत समिति जायला जिला नागौर अध्यक्ष मूलचंद से खास मुलाकात। नमस्कार, मैं सुनील खिची और आप देख रहे हैं वीएम भारत टीवी और ग्राम सेवा सहकारी समिति। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी बुगोड़ा पंचायत समिति जायल जिला नागौर के अंदर। विशेष तौर से यहाँ की जनता ने जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित निर्विरोध युवा के हाथों में जो यहाँ की कमान सौंपी है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मूला राम जी भक्कर। उनसे खास मुलाकात के अंदर बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं और क्या सोसाइटी के इनके यहाँ सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहले तो उनको सर पहले तो मूला राम जी हमारे वीएम भारत टीवी सुनील खिची और कैमरामैन पर्सन मनोज जरोड़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। तो सर कैसा महसूस कर रहे हो, युवा हो अभी तो, युवा के हाथों में जो कमान सौंपी है सर, अध्यक्ष पद पर विराजमान किया है, उनको क्या बार व्यक्त करना चाहते हैं? उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो मुझे प्यार मान सम्मान दिया है उस पर मैं खरा उतरूंगा और उनकी हर समस्या को, चाहे कुछ भी हो जो सोसाइटी से जुड़ी होगी, उस पर मैं पूरा भाग लूंगा। और जो किसानों की खाद बीज की जो ये लोन है 10-20 हज़ार से किसानों के कुछ होने वाला नहीं, इसलिए थोड़ा बढ़ाने की भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। और जो नए किसान हैं उनको भी मैं ऋण दिलाने में पूरे भाग दौड़ करूंगा और जो मुझे प्यार दिया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सर बातचीत करते हैं, अभी आपने बात की है लोनिंग की कि यहाँ किसान हैं जितने बहुत ज़्यादा लोनिंग कम मिल रहा है, तो वो लोनिंग कितना मिल रहा है और आप कितना बढ़ाना चाहते हो, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? अब 15-20 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार के समथिंग मिल रहा है, तो उसको कम से कम 60-70 हज़ार या लाख तक पहुंचे तो किसानों के कुछ गुजारा हो। अभी 30-40 हज़ार या 20 हज़ार से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं। जमीन स्तर पर नहीं है, जमीन के हिसाब से? जमीन के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, ये तो किसान के आधार पर है। तो जमीन के हिसाब से अगर किसी को 60-70 बीघा है उसको 20 हज़ार से कुछ होने वाला नहीं, वो डीजल भी नहीं हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये राशि बढ़ाने की कोशिश करवाऊँगा। और मैं अपील भी करूंगा केंद्र सरकार से सब जगह और सब और भी नए किसानों को भी लोन दिलाने की व्यवस्था करूँगा। तो सर बातचीत करते हैं आपके राजनीति करियर के बारे में, तो पहले कोई संगठन संस्थाओं से जुड़े हुए थे या आपकी स्टडी थी, आपको क्वालिफिकेशन वाइड थे, तो क्या आपने ये सोचा था कि मैं अध्यक्ष पद पर विराजमान हूँ और हमारे देश के हमारे जनता की जो किसान है उनकी सेवा करने में आगे रहूँगा? तो क्या कहना चाहते हो कि कौन सी पार्टी विलोम करते हो, राजनीति करियर क्या है? नहीं, मैंने कौन सी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और न भी मैं पहले राजनीति से जुड़ा हुआ था। मेरे को तो अभी किसानों ने प्यार दिया और बोला ये युवा है और ये ज़रूर कुछ हमारे लिए करेगा, इसलिए मुझे पूरा प्यार के साथ मुझे इस पद पे बिठाया है और मैं उनके लिए खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सर बातचीत करते हैं सोसाइटी की, जैसे आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेकों योजनाएं चल रही है, तो वो योजनाओं का किस आप किसानों तक लाभ पहुंचाना चाहते हो? जैसे कृषि यंत्र वगैरह का भी लोन आजकल चल रहा है और अच्छा खाद बीज सोसाइटियों के अंदर भी मिलता है, हाईटेक सोसाइटियाँ करने का पूरा प्लान है, कंप्यूटराइज्ड सोसाइटियाँ भी आपकी करने की पूरी अभी आश्वासन चल रहा है आपका राज्य सरकार का, तो क्या कहना चाहते हो, आप संतुष्ट हैं इससे या क्या स्तर है, क्या बढ़ाने की? नहीं, ये पूरा बढ़ाने की मैं जो सहायता कर रही है सरकार उसका आभार व्यक्त करता हूँ और किसानों के लिए जो जो सेवाएँ सरकार दे रही है उनको पूरा उनका लाभ पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और ये अभी खाद बीज में जो बिल्कुल यहाँ लाने में किसान खेती की टाइम बहुत दुखी रहता है, वो किधर खेती करे या खाद लाए, इसलिए ये व्यवस्था भी मैं यहीं कराना चाहूंगा और इस भागदौड़ में मैं पूरा भाग ले रहा हूँ। सर बातचीत करते हैं, अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए हो तो वीएम भारत टीवी न्यूज चैनल की तरफ से आपको सब देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो कि आजकल क्या है कि एक बहुत ज़्यादा एक भयंकर बीमारी फैली हुई है, जैसे क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशे की चपेट में आ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपके जो ग्राम पंचायत है, आपकी जो किसान भाई हैं उनको क्या गाइड करना चाहते हो कि बच्चों को नशे की प्रवृत्ति को छोड़कर एजुकेशन और स्पोर्ट्स की ओर उनका ध्यान किया जाए ताकि वो अपने गार्जियनों का, अपने देश का, अपने ग्राम पंचायत का नाम रोशन कर सके? हाँ, युवा हो तो इस संबंध में आपकी क्या सोच है? मेरी यही सोच है कि हर चीज़ वो माता पिता से जुड़ के रहें, ये नशा प्रवृत्ति से दूर रहें और पढ़ाई में और जो ये सरकारी योजनाएं हैं इसमें सबसे जुड़े रहें और हमेशा अच्छी पढ़ाई के लिए तैयारी रखें। तो सर बातचीत करते हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, जैसे मान लो
ऋणी वगैरह जैसे काम आता है, तो जैसे अऋणी सदस्य या डिफाल्टर है उनको आप अपने साथ जोड़ने के लिए क्या आपका प्लान रहेगा? वो भी इस बार तैयारी चल रही है, जो अऋणी सदस्य है उनको भी मैं ऋणी में जोड़ना चाहूंगा, और जो भी डिफॉल्ट कुछ के कारण हो गए हैं उनको भी कारण वापिस करके उनको भी ऋणी में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सर कौन सी पार्टी से विलोम करते हो आप, और अगर पार्टी आपको अध्यक्ष भी अध्यक्ष बन गए हो, अगर पार्टी मौका दे और आगे आपको, तो किस और कदम रहेंगे आप? नहीं, मैं पार्टी की तरफ किसी पे नहीं जाना चाहूंगा। मेरा का पार्टी मानते हो? मैं विकास को पार्टी मानता हूँ, और जो मुझे किसानों ने भरोसा दिया है उस पर ही मैं खरा उतरूंगा, और किसानों की ही मेरी पार्टी। तो सर बातचीत करते हैं किसानों के लिए, मोदी साहब ने क्या है कि कुछ बिल लगाए थे तो एक साल के बाद हम उसको रिटर्न भी ले लिए थे, तो उस संबंध में आपकी क्या राय है? मैं तो उसके संबंध में उनके पास ही जाना चाहता हूँ, किसानों के पास ही, जो किसानों की राय रहती है उन पे उनके साथ ही मैं खड़ा रहता हूँ। तो भारतीय कृषि प्रधान देश है सर, 65% पॉपुलेशन है यहाँ किसान है, तो आपके भी मैं मानता हूँ कि यहाँ 65% किसान भी होंगे यहाँ, तो उन किसानों को क्या भार व्यक्त करना चाहते हो कि इस पद पर आपको विराजमान किया है, और उनकी समस्याओं का किस और निवारण रहेगा, क्या प्रयास? जो किसानों ने मुझे युवा समझ के, पढ़ा लिखा समझ के जहाँ ये पद पे मुझे बिठाया है, मैं ये इस पद पे उनके लिए खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा, और उसको बताऊँगा कि किसानों को युवा के लिए कितना क्या फायदा रहेगा। सर बातचीत करते हैं वीएम भारत टीवी न्यूज चैनल की तरफ से, आपको सब देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हो अपने जो शायद तक उदयलाल जी मंत्री साहब है जो कहतगा भाग के, और जो केंद्र में बैठे अमित शाह जी है उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, तो आपकी क्या सोसाइटी की क्या मांगे हैं? आपने सोचा हो कि मीडिया में मौका मिला तो उन प्लेटफॉर्म पे उनमें रखने की पूरी कोशिश करें? मैं मंत्री साहब को यही कहना चाहता हूँ, जो ये छोटा ऋण मिल रहा है उन ऋणों को बढ़ाएं, किसानों को इस ऋण से पूरा नहीं हो रहा है, और जो कृषि यंत्र है और खाद बीज है जो मुझे हमें पूरा सपोर्ट करके हमारे थोड़ी सहायता करें, जो किसानों की ये अच्छी फसल है। तो वीएम भारत टीवी के अंदर आप देख रहे थे मुलाराम जी भाकर को, विशेष तौर से अध्यक्ष पद कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो उनका बोलना है किसी प्रकार का मुद्दा होगा किसानों का तो विशेष तौर से हमारे किसानों, तो बिल्कुल मैं दिन रात उनको मेहनत करके उनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे खाद बीज का मुद्दा हो, किसी प्रकार का मुद्दा हो, चाहे लोनिंग का हो। तो इसी बात को खत्म करते हुए सर 10 मिनट देने के लिए वीएम भारत टीवी में बहुत बहुत धन्यवाद।